हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे वेलवेट लॉन्ग फ्रॉक डिजाइन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप फैशन के शौकीन हैं और वेलवेट लॉन्ग फ्रॉक डिजाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे जबरदस्त लॉन्ग फ्रॉक डिजाइन जो आपको बेहद पसंद आएंगे। ये फ्रॉक एलिगेंट, स्टाइलिश और मॉडर्न है और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्हेंस करेंगे। दोस्तों, वेलवेट फ्रॉक आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इनके यूनिक डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी इन्हें बहुत स्पेशल बनाते हैं। अगर आप एक हटके और खूबसूरत लुक चाहते हैं तो ये लॉन्ग फ्रॉक परफेक्ट है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फ्रॉक दिखाएंगे जो 2024 में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। इनके वाइब्रेंट कलर और इंट्रिकेट पैटर्न देखकर आपको जरूर पसंद आएंगे। ये फ्रॉक आपको हर मौके पर अलग और खूबसूरत बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी फैशन के ट्रेंड में रहना चाहते हैं और एक यूनिक स्टाइल का लुक पाना चाहते हैं तो ये लॉन्ग फ्रॉक आपके लिए है। इनके डिजाइन और कलर्स आपको जरूर पसंद आएंगे। तो ये थे कुछ वेलवेट लॉन्ग फ्रॉक डिजाइन जो कि उम्मीद है आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। इन डिजाइन को आप अपने स्पेशल ओकेजन, पार्टीज या फिर फेस्टिवल में जरूर पहन सकती है। इन डिजाइन की वर्सटाइलिटी, कम्फर्ट और स्टाइल आपको जरूर इम्प्रेस करेगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो भी हमें आप जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको वेलवेट लॉन्ग फ्रॉक डिजाइन के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर वीडियो से कोई आइडिया मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोज भी देख सके, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में वेलवेट फ्रॉक के न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।